आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे सवाल है लालजी यादव जी का, खरीदें या नहीं खरीदें। अच्छा, आदित्य बिरला कैपिटल कुछ समय से, मतलब इतना बढ़िया पैरेंटेज, इतना सब कुछ है, लेकिन बीच में एक लंबा समय इसने गुजारा है जब ये एक तरह से अटका रहा और लोगों को समझ में नहीं आता रहा कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, उस समय तो खैर बिजनेस ओवरहैंग चल रहा था इसका, इसलिए ग्रुप के हिसाब से ये चल नहीं पा रहा था। बट अपने आप में तो खैर ये आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, नहीं चलने का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एनीवेज, फिलहाल बहुत समय के बाद ऐसा है कि आदित्य बिरला कैपिटल अपने होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट से भी ऊपर चल रही है, ऐसा देख के लग रहा है। मेन प्रॉब्लम यही हो गई थी कि पहले होल्डको का डिस्काउंट इसको बहुत ज्यादा मिलता था, जो कि अब नहीं है, वो रिकवर हो चुका है। बट एट दिस जंक्चर इतना जरूर है कि ये ना बहुत ओवर वैल्यूड है ना बहुत अंडर वैल्यूड है। तो इसको मैं एक्चुअली 75-80 रुपीज से ट्रैक कर रहा हूँ, तो 75-80 रुपीज पे बहुत अंडर वैल्यूड थी, और वहां से इसका फेयर वैल्यूएशन करीब करीब बनता भी था 160 से 190 रुपए के आसपास में, जितना मुझे याद है। तो 180-190 के बाद ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी होने के हिसाब से भी जितना इसका वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो मिल चुका है मेरे अंदाजे से। यहाँ पे आके ये मोस्टली एक ट्रेडिंग स्टॉक का नेचर ले लेगा, लेकिन इसमें एक खतरा ये है कि इसका जो राइज है 85 से लेके 200 का, ये बहुत लंबे समय का राइज है, और इसमें भी चुपचाप वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ आपको। 165-170 के रेंज में आपका 200 EMA इसका आ जाएगा, और 190 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं होगा ये अब इसी रेंज में ट्रेड होने चला जाएगा। 165-170 कुड बी दी बॉटम एंड 190 कुड बी द टॉप, मतलब इसमें रेंज बाउंड मूवमेंट होगा, और फिर उसके बाद इसकी एनालिसिस होगी कि ब्रेकडाउन होता है कि नहीं। लेकिन जब तक 200 EMA नहीं टूटता है, रिटर्न होके 190 की तरफ आने के चांसेस इसमें हाई रहेंगे। इन अ नटशेल ये है मामला कि आदित्य बिरला कैपिटल जो एक राइजिंग ट्रेंड में था, अब वो राइज कंप्लीट होके कंसोलिडेशन कम करेक्शन करने वाला है। इसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा फ्रेश डिसीजन लेने के लिए। फिलहाल 165 से 190 के रेंज का अवेलेबिलिटी है इसमें, अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो वही रेंज दिखता है। जी,